गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कलर बुक करेंगे और स्मॉल कैपिटल और स्मॉल बुक भी करेंगे, राइटिंग बुक इंग्लिश का और शब्द पर रचना भी करेंगे। आज सैटरडे को हम लोग कलर बुक राइटिंग बुक भी करते हैं, इंग्लिश और हिंदी राइटिंग बुक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज कलर बुक करेंगे। कलर बुक में देखिए, कलर बुक में आज हम लोग मछली को कलर करेंगे, फिश को कलर करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कलर द स्मॉल सर्किल एंड यूज ग्लेज पेपर टू कंप्लीट द फिश एज सोन। कह रहा है कि छोटे वृत्त को रंग दें, छोटे वृत्त को कलर करना है, रंग देना है, और मछली को पूरा करने के लिए चमक पेपर का उपयोग करें। मछली को पूरा करने के लिए चमक पेपर का उपयोग करना है। इसको भी वृत्त को, गोला को भी, सर्कल जो बना हुआ है इसको भी कलर कर देना है, और मछली को भी चमक पेपर से करना है। अब इसको आज यहाँ डेट लिखिएगा, डेट लिख करके इसको कीजिएगा कलर बुक को। और आगे हम लोग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बुक करेंगे। आज हम लोग कैपिटल स्मॉल लेटर में, इससे पहले सैटरडे को हम लोग ये किए थे कर्व लाइन और अप कर्व लाइन और डाउन कर्व लाइन पढ़े थे। आज हम लोग ट्रेस एंड राइट हम लोग करेंगे। ट्रेस एंड राइट में क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए को हम लोग को जैसे डॉट्स दिया गया है उसी तरह करके सुंदर सुंदर लिखना है सारे बच्चे को। और बार बार मैं बता रही हूँ कि थोड़ा भी गलत होता है, अगर लाइन से अलग होता है तो आप उसको इरेज करके साफ करके फिर सुंदर से लिखिएगा और खूब सुंदर से इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसका भी डेट यहाँ लिख लीजिएगा, डेट लिख करके आप सारे बच्चे ये राइटिंग बुक भी कीजिएगा इंग्लिश का। आज कैपिटल लेटर सीखेंगे हम लोग, उसके बाद से हम लोग स्मॉल लेटर में ए सीखेंगे, स्मॉल ए। अब कैपिटल लेटर लिखना है आज। अब हम लोग हिंदी बुक के राइटिंग करेंगे। हिंदी बुक राइटिंग में हम लोग क्या किए थे इससे पहले बेटा, ट से अण तक किए थे हम लोग। आज हम लोग त से लेकर के ध तक करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेट देंगे और डेट दे करके लिखेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं आप और यहाँ भी लिख सकते हैं दिनांक, डेट, जो आज का जो भी डेट है उसको आपको लिखना है। तो आप लोग मेरे साथ सारे बच्चे बोलिए, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न आगे से पेज में दिया गया है क्या, यहाँ लिखिए न से नल। लेकिन अभी आप लोग को बस ध तक ही करना है और यहाँ डेट लिखना है। तो देखिए, त से तरबूज का पहला अक्षर दिया गया है त, तो त हम यहाँ पर लिखेंगे, सारे बिंदु को मिलाना है और ये नीले कलर वाले में ही, ये तीन लाइन के बीच में ही त को लिखना है और सुंदर से लिखना है सारे बच्चे को। फिर देखिए, थ से थर्मस, तो यहाँ भी थ को 3 लाइन में ही लिखना है और सुंदर से लिखना है। द से दवात, इसको भी हम लोग को इसी 3 लाइन में लिखना है। ध से धनुष, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। और आप सारे बच्चे यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा, डेट आज का, और लिख करके उसके बाद से इसको खूब सुंदर से कीजिएगा। फिर आगे अगले सैटरडे को हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, 9 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही करेंगे। गुड डे।